तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ लखनऊ का ब्लॉगर ऋषभ, और आज जो है हम लोग को वैसे जाना है क्लॉक टावर घंटाघर, जो कि मतलब चौक में हुसैनाबाद जगह है, वहाँ पे ये है। और जो है ये इतना मतलब फेमस है, आप इसको कहीं भी पूछ लेंगे क्लॉक टावर घंटाघर। बस इतना शोर कर, तो भाई अब चलते, चलिए चलें। घंटाघर है, तो अब चलते हैं वहाँ पे। और हर तरफ इसके आसपास, इसके पास में एक तालाब भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा सा है वो। वहाँ पे बैठने लायक भी, आराम से बैठ सकते हैं। ये भी बना दो भैया, अरे का है ये बेचते की वीडियो बना रहे। तो भाई अभी इन्होंने एक छक्का मारा है, अब देखिए दूसरी बॉल पे क्या करते हैं ये। आ रही बॉल कहाँ है, ये क्या भाई, सब के सब पतंग के पीछे दौड़े। तो भाई ये देखिए, ये जो रेड कलर की जो वो है, इसको क्या कह सकते हैं, पिक्चर गैलरी। इसका मतलब क्या है, इमारत है, बिल्डिंग है, इमारत टाइप की बनी है ये, अंदर पिक्चर गैलरी है ये। वैसे दिन में खुला होता है, अभी तो हम लोग सुबह आए हैं, तो अभी जिस दिन, जैसे किसी दिन में आके आपको दिखाएंगे। इसमें बहुत से लोगों की फोटो लगी है जो मतलब महान काम करे थे, हम लोग ने तो करा नहीं, हम लोग के लगे भी नहीं पाएंगे अंदर। ये देखिए पिक्चर गैलरी घंटाघर के, ये देखिए इधर घंटाघर है और इधर ये गैलरी है और इधर ये मैच चल रहा है। तो अब भाई देखते हैं और भी दिखाते हैं, अब इधर तालाब है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने से देखिए, दिखा दें, ये देखिए अभी तो बंद है ये। तो भाई ये देखिए, ये पिक्चर गैलरी के पीछे वाला बना है ये तालाब जो है, और ये देखिए बहुत बड़ा सा तालाब है। यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट कराते हैं और फोटो वोटो खींचने के लिए, देखिए प्री वेडिंग शूट भी हो रही है नीचे, ये देखिए। और अब आपको अंदर से थोड़ा नीचे चल के दिखाते हैं। तो भाई ये देखिए, जो ये तालाब है, यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे 7 दरवाजे इसके नीचे हैं, और उसमें से जो कि एक दरवाज़ा कोई है जो कानपुर तक, यहाँ लखनऊ से कानपुर जाता है। तो ये देखिए यहाँ से नीचे जाया जाता है, ये जो ये बना है छोटा सा मतलब। और इस घंटाघर पे पहले इसको सोने की मतलब चिड़िया इस पर लगी रहती थी इसके ऊपर, तो इस पर से डाकू मतलब जो आए थे, उन्होंने सोने की चिड़िया इस पर से चुरा के फिर यहाँ से नीचे से चले गए थे, वो लोग यहाँ से ले कर भाग गए थे। तो यही इसकी कहानी है, थोड़ी छोटी बहुत यही सब मतलब कहानी बहुत है, अब कब तक कहानी बताएं। तो भाई अब देख ही लीजिए आप भी, यहाँ पे शूट हो रहा है। तो भाई अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा इधर ही आसपास भी दिखा दे आपको घंटाघर के और क्या क्या है यहाँ पे। चले अब आगे देखते हैं, वो बहुत तेज हो जाती है सुबह सुबह,
आज तो ईद है वैसे सबको, आपको ईद मुबारक और हैप्पी। तो भाई आप लोग अच्छे से ईद मनाइए। तो अब देखते किधर चलें, किधर चल रहे हैं भाई। ये देखिए इस तरफ यहाँ पे झूले भी लगे हैं खूब सारे, और इधर यहाँ हम लोग बैट बॉल खेल के आ चुके हैं। हम लोग ने उन लोगों को हराया था, कितने हम लोग के रन थे, 62 रन बनाए थे और उन लोगों ने बनाए थे सिर्फ 14 रन। तो भाई बहुत बुरा हरा के आए हम लोग अभी अभी। तो अब आगे चलते और देखते हैं दिखाने लायक कोई जगह। तो भाई इधर भी देखिए मैच चल रहा है, और इधर भी देखिए पीछे बैक साइड है घंटाघर के, ये देखिए इधर वाल घंटाघर है इस साइड, और इधर वाल भी मैच चल रहा था। किधर चले अब, देखो ये तालाब दिखा दिया है, ये दिखा दिया और घंटाघर देख लिया। वैसे कुछ बचा नहीं है, अब ग्राउंड ही ग्राउंड है, लेकिन आने में ये भाई बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने लायक, और रात में बहुत ही अच्छी दिखती है। ये देखिए ये लोग बैठे, देखो इधर आ गए। तो भाई ये देखिए ये लोग आ गए इधर खेलते खेलते। और भाई ये देखिए घंटाघर के पास ही में ये देखिए एक छोटा इमामबाड़ा भी बना है इधर ही वाल पे। इधर भी किसी दिन आएंगे, जब बड़ा इमामबाड़ा आएंगे तो इधर भी आएंगे छोटे इमामबाड़े। तो अब वैसे तो घर चल रहे हैं,